मुझे ड्यूटी के बाद हमें किसी भी स्टाफ को क्वारंटाइन नहीं किया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी मुझे एम्बुलेंस नहीं लेने गई। अगर एम्बुलेंस वालों ने मुझे ये कहा कि हमारे पास एक डेढ़ घंटा एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है, आप अपना खुद अरेंज करो, मैं अपने खुद के व्हीकल से चलकर हॉस्पिटल तक आई और मुझे एम्बुलेंस के लिए मना किया गया। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री जी और हरियाणा मुख्यमंत्री महोदय जी को। सर, मैं सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में स्टाफ नर्स हूँ और आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी करते हुए मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सर, कंटिन्यूएशन में ड्यूटी करते करते मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मुझे ड्यूटी के बाद हमें किसी भी स्टाफ को क्वारंटाइन नहीं किया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी मुझे एम्बुलेंस नहीं लेने गई। अगर एम्बुलेंस वालों ने मुझे ये कहा कि हमारे पास एक डेढ़ घंटा एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है, आप अपना खुद अरेंज करो, मैं अपने खुद के व्हीकल से चलकर हॉस्पिटल तक आई और मुझे एम्बुलेंस के लिए मना किया गया, जबकि मेरे को दो दिन से लूज मोशन थे और सुबह से मेरे ऊपर डॉक्टर के द्वारा प्रेशर डाला जा रहा था कि आप ड्यूटी पे आओ, ड्यूटी करो और अगर ड्यूटी नहीं आ सकते तो मेडिकल दो। मैंने इतना रिक्वेस्ट किया, सर मेरी अभी रिपोर्ट नहीं आई है और प्लीज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, आप मुझे ड्यूटी पे मत बुलाओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और सर मैंने उनकी ये कॉल रिकॉर्ड भी कर रखी है, मैं प्रूफ के साथ कह सकती हूँ। और सर मेरी रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है, मैं और मेरी एक साथ में ड्यूटी करने वाली स्टाफ जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कंटिन्यू फीवर आ रहा है। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें अच्छी फैसिलिटी दी जाए, यहाँ पे डॉक्टर हमें कल से आइसोलेशन में भर्ती किया हुआ है सेक्टर 9 ESI हॉस्पिटल में, यहाँ पे कोई डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है, फोन के द्वारा हमारी तबीयत पूछी जा रही है, हमें कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही है, कोई एक्सरे की रिपोर्ट हमें नहीं बता रहा है। सर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें हमारा अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए और मेरे घर पे भी किसी ने कोई छिड़काव नहीं कराया, वो भी मैंने खुद के प्राइवेट उससे मेरे घर पे सैनिटाइजेशन कराया है। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।